Hey students, today I will explain last paragraph of chapter number 19. तो बच्चों आपका जो ये chapter number 19 है गुलिवर इन द लिलीपुट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. चलिए अब आगे इसको रीड करते हैं और आगे के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं. द लिलीपुटियंस रेन to Gulliver for help. Lilliputian जो थे मदद के लिए Gulliver के पास भागे. The emperor said, राजा ने कहा, सम्राट ने कहा, don't let us down now Gulliver, we need your help. हमें Gulliver को निराश नहीं करना चाहिए और हमें उसकी सहायता की अब आवश्यकता है. Gulliver walked into the sea. Gulliver समुद्र की तरफ भागा. He took long rope. उसने जो है एक लंबी रस्सी ली. Tied all the 100 ships together and dragged them in the water. और सभी 100 जहाजों को एक साथ बांधा और उन्हें पानी में खींच लिया. Gulliver pulled the ships the whole day. Gulliver ने पूरे दिन जहाजों को खींचा. Until the army of Blaze was giddy and in no position to fight. Gulliver ने पूरे दिन जहाजों को खींचा और जब तक कि Blaze की सेना पूरी तरह से लड़ने की स्थिति में नहीं थी. द किंग ऑफ ब्लेज केम वेगिंग फॉर पीस बिटवीन द टू किंगडम्स. ब्लूज का जो राजा था बीच में शांति की भीख मांगता हुआ आया दोनों राष्ट्रों के बीच के लिए. द एम्परर एग्रीड और जो सम्राट था वो इस बात पे एग्री हो गया, सहमत हो गया. Gulliver was held as the hero and lived in Lilliput for many years. और Gulliver जो था एक हीरो की तरह उसका पूरी तरह से स्वागत हुआ जैसे एक हीरो का होता है और वह कई वर्ष तक Lilliput में रहा. सो बच्चों आपका ये जो चैप्टर नंबर 18 था आज कंप्लीट हो गया है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी. सो अब आप अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए. कल इसके लिए मैं आपको वर्ड ट्रेजर और एक्सरसाइज सेंड करूँगी. थैंक यू क्लास.